हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल द ब्रिज में। और जैसे कि मैं आपको कल बताया था, सेकंड लेक्चर में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ने वाले हैं और न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस क्या है जानेंगे और रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शन जानेंगे और इन इससे रेजिस्टेंस से जितने प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जानेंगे। ये लेक्चर आने वाले अपकमिंग सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और जो ये लेक्चर है, इन लेक्चरों के द्वारा ही आपका बेस बनेगा। बाद में जो हाई लेवल की वीडियो जो हम लोग करेंगे उसमें ये बेस ही बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध 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 रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। वह कारक जो किसी चालक में विद्युत धारा के फ्लो या बहाव होने में बाधा डालता है, या इलेक्ट्रिक का फ्लो का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का अपोज करता है या अवरोध उत्पन्न करता है, क्या प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात किसी भी चालक में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अपोज करता है या विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। जिस चालक में जितना अधिक प्रतिरोध होगा, वह विद्युत धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। और जिस चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा, वह विद्युत धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित करेगा। अर्थात करंट I और प्रतिरोध R एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा। प्रतिरोध प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है और इसकी इकाई ओम है। प्रतिरोध की खोज 1827 में की गई थी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी अर्थात एजी होता है, और रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार होता है। इसे आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। जितने अधिक मान का प्रतिरोध होगा, उतना ही अधिक करंट का फ्लो का अपोज करेगा, और जितने ही कम मान का प्रतिरोध होगा, उतना ही उस कंडक्टर में अधिक करंट फ्लो होगा। प्रतिरोध की निर्भरता, इसे इंग्लिश में डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, एरिया और पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और चालक का एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और पदार्थ का मटेरियल जिस प्रकार का लिया जाएगा उसका रेजिस्टेंस पदार्थ के अनुसार ही रहेगा। अतः इन्हीं कारकों को परिवर्तित करके किसी चालक का प्रतिरोध परिवर्तित किया जाता है। अतः किसी चालक का प्रतिरोध परिवर्तित करना है और उसकी लंबाई बढ़ाकर उसकी रेजिस्टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ाकर या घटाकर उसकी रेजिस्टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं, और उसके पदार्थ जो यूज़ किया गया है रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसको हम परिवर्तित करके रेजिस्टेंस का मान परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि
अगर किसी कंडक्टर की चालक सॉरी किसी चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और किसी चालक का एरिया एरिया बोल तो अगर ये कंडक्टर अगर अधिक मोटा कर दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता है, और इसका जो पदार्थ है इसमें जिस कंडक्टर को बनाने के लिए जो पदार्थ यूज़ किया गया है उसके ऊपर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है, और तापमान पर भी टेम्परेचर पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। लेकिन उसका भी एक टेलोरेंस होता है, उसके अंतर अंदर ही वो बढ़ता घटता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट, विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं। इसमें आर रो एल बाय ए, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या स्पेशल रेजिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं। रो को इधर इधर लाने पर क्या हुआ, आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो आर अर्थात ओम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और एरिया एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो एम से एम स्क्वायर कट गया तो क्या बचा मीटर ओम मीटर। तो स्पेशल रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या हुई ओम मीटर। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या है, तो याद रखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट ओम मीटर होती है। अब क्वेश्चन, एक चालक की लंबाई एल मीटर है, यदि चालक को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक में प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कंडक्टर या चालक हमारा ये है, अगर इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो अभी जो फॉर्मूला देखे उसके अकॉर्डिंग क्या आर बराबर रो एल बाय ए, एल बाय ए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये प्रतिरोध है, उसकी लेंथ कितनी दुगनी कर दी, लेंथ दुगनी कर दी, लेंथ दुगनी कर दी तो उसका एरिया क्या होगा एरिया कम हो जाएगा, अर्थात एरिया आधा हो जाएगा, तो 1/2। जब इसका एरिया आधा हो गया अब इसको सॉल्यूशन करने पे क्या आया, आर बराबर 4 रो एल बाय ए, एल बाय, तो रो एल बाय ए किसके बराबर है आर के बराबर है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आर, तो इसमें लिख दिया आर बराबर 4 आर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। एक ही एग्जाम पॉइंट याद रखना जो कि इसके राइट में लिखा हुआ है खड़ी लाइन में, इसमें एक तांबे का प्रतिरोध आर ओम है, यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध 8 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, और एक और इधर है इसके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के ये खड़े हैं, इसमें लिखा है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी लिखा है यदि 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाए या खींच दिया जाए तो वर्तमान में प्रतिरोध क्या होगा। ये पूछ रहा है, एक तार है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, यदि उस तार को 40 सेंटीमीटर और लंबा खींच दिया जाए तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो नीचे सोल्व क्या है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस जो दिया है 5 ओम दिया है, और नया रेजिस्टेंस वो कितना हो रहा है
खींचने पे 40 सेंटीमीटर, अब वो कहना क्या चाह रहा है, यदि एक ये तार है ये 20 सेंटीमीटर लंबी है, तब उसका प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है। यदि इस तार को 20 से आगे खींचकर 40 सेंटीमीटर कर दी जाए, तब इसका जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसका जो पहले कितनी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर है, तब उसका रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम है। अब यदि इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो उसकी जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला कौन सा, R1 by R2 = L1 by L2, अर्थात इसका कौन सा फर्स्ट रजिस्ट, ये लेंथ पहला रेजिस्टेंस, और जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो R2, वो क्या होगा, और पहली जो लेंथ थी वो क्या है और अभी की लेंथ क्या है, वो इसमें रखने पर पहले रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, उसकी लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, नया रेजिस्टेंस पता नहीं है और इसकी लेंथ अपने को पता है 40, तो इसके अंदर सोल्व करने पे क्या हुआ, इसको जब 40 को R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो इसको क्या होगा, ये 20 है, ये ओपन में चल जाएगा, ओपन में चल जाएगा, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 200 ओपन कितना 20, तो 200 को 20 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस कितना आया आंसर 10 ओम। तो जगह न होने के लिए कारण इसी में करना पड़ रहा है, जैसे लग रहा था जैसे पूरी खिचड़ी पक गई हो। आप अब और देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में, यदि प्रतिरोध का आयतन स्थिर रखते हुए लंबाई में परिवर्तन किया जाए, मतलब उसका जो आयतन है चालक का वो बिना परिवर्तित किए और इसकी लंबाई में परिवर्तित किया जाए, तो जो चालक है इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि चालक को स्थिर रखते हुए लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो पुराना ही वाला है, क्या R बराबर रो L ओपन A, और V वेलोसिटी जो है उसके उसको स्थिर रखा गया और जो लेंथ है उसको परिवर्तित करा गया है, अर्थात है ना, तो इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एल का अंश और हर से गुणा करने पर, ठीक है, एल का अंश और हर से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, आर बराबर रो एल एल सॉरी आर बराबर रो एल बाई ए इंटू एल बाई एल, ठीक है, फिर इनको आगे सोल्व करने पे क्या, आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है, अब आर वन अपॉन आर टू, आर वन अपॉन आर टू, इसका मतलब पहले समझाया था आर वन जो अभी रेजिस्टेंस है, मतलब जो पहले से दिया हुआ रेजिस्टेंस है, और आर टू क्या है वो अभी जो नया रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है वो, ठीक है, तो उसमें क्या एल स्क्वायर अपॉन वी आया है, तो उसमें क्या करेंगे, वी को वी से काट देंगे, रो को रो से काट देंगे, तो शेष क्या बचा है, आर वन अपॉन आर टू इजकल एल वन स्क्वायर अपॉन एल टू स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है एग्जामिनर, एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, यदि आयतन को इस
स्थिर रखते हुए लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन देता है और डायरेक्ट ये फॉर्मूले ऑप्शन में देता है, तो आपको याद रखना है एक कंडीशन आती है तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आयतन को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए तो उसे प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे अपन, आयतन को स्थिर रखते हुए लंबाई में परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं, आयतन को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये भी इसमें याद रखना आपको। तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, वी वी को क्या क्वेश्चन स्थिर रखा जा रहा है और एरिया को वेरिएबल अर्थात परिवर्तित रखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए का अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आर बराबर रो एल ओपन ए इंटू ए ओपन ए, तो एल बराबर लेंथ और रो रो को विशिष्ट प्रतिरोध और ए को एरिया। ठीक है, तो आर बराबर इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, आर बराबर रो वी ओपन ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से वही वाला फंडा पिछले क्वेश्चन वाला, आर वन ओपन आर टू इजकल रो वी ओपन ए स्क्वायर ओपन रो वी ओपन ए स्क्वायर। तो इसमें भी उसके जैसे रो को रो से काट देंगे, वी को काट देंगे, तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर, तो वही लिख देंगे आर वन ओपन आर टू इजकल ए वन स्क्वायर ओपन ए टू स्क्वायर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखें, इसमें बच्चे बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्षेत्रफल और लंबाई ये खासकर आपको याद रखना है, और जहाँ पर भी क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पर भी ये याद रखना, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या एरिया कहते हैं, तो आर वन ओपन आर टू इजकल ए वन स्क्वायर ओपन ए टू स्क्वायर, और वहाँ पर क्या आता था, जहाँ पर लंबाई को परिवर्तित करते हैं वहाँ पर आर वन ओपन आर टू इजकल एल वन स्क्वायर ओपन एल टू स्क्वायर। ठीक है, चालकता कंडक्टेंस, चालकता वह होती है जो किसी भी चालक में करंट फ्लो करता है उसको करंट के फ्लो में मदद करती है। तो थ्योरी देख लेते हैं, किसी चालक में वह कारक जो विद्युत धारा के फ्लो या बहाव होने में सहायता करता है उसे उसकी चालकता कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी कंडक्टर में चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध आर घटता है, और चालकता जी घटती है तो प्रतिरोध आर बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इसमें यह भी पूछ लेता है चालकता जी प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, अर्थात कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगी, और इसकी यूनिट क्या होती है, मो मो। ठीक है, मो को उल्टे ओम की तरह प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट कभी कभी सीमेन भी बोलता है, इसकी दो यूनिट होते हैं मो या सीमेन या साइमेन भी कहते हैं, या फिर इसे याद रखना वन बाय ओम ओम या वन बाय ओम यूनिवर्स। ये पॉइंट वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें याद रखना जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन, और इसकी खोज 1897 में की गई थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होता है, और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो कितना है, 1.6
10^19 कूलम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है, 9.1 × 10^31 किलोग्राम होता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर जो आवेश होता है, जो आवेश चार्ज होता है, वो दोनों के ऊपर बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन का जो भार द्रव्यमान होता है वह होता है 1.667 × 10^-27 किलोग्राम, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हेनरी रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। इसकी खोज 1896 में इन तीनों में से सबसे पहले की गई थी। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी खोज किसने की थी और इसको नाम किसने दिया था। तो इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और इसका जो नामकरण था वो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, अर्थात इसी पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। और इसका जो भार होता है वो सबसे अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से अधिक होता है। इसका जो भार होता है 1.67 और पॉइंट में इधर 4 कुछ रहता है, जो कुछ पॉइंट में ये प्रोटॉन से भारी होता है। इससे कुल मिला के कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से वजनदार न्यूट्रॉन होता है। और इसमें इसका टोटल भार जो कि एग्जाम पॉइंट में पूछता है वो क्या है, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। और इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो याद रखना, इसमें कभी कभी सन भी पूछ लेता है कि सबसे पहले खोज किसकी की गई थी, तो वो प्रोटॉन की गई थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, और सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस का संयोजन, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोध का समांतर संयोजन दो प्रकार से इनको संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। और एक बात ये याद रखना, जब प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो इसमें करंट I जो है वो एक समान होता है और वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है। और जब समांतर में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो इसमें करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज समान होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रतिरोध की उपयोगिता के अनुसार प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो तो इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। मतलब ये पहला प्रतिरोध है, ठीक, इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इसी प्रकार ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज कनेक्शन कौन सा था, जब पहले प्रतिरोध ये R1, R2 और R3, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से
तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिर से कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार संयोजन सिरे संयोजन कहते हैं। अर्थात ये पहला रेजिस्टेंस है, इसका ये दूसरा सिरा ये दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट है, तथा ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसका ये दूसरा सिरा ये तीसरा प्रतिरोध के ये पहले सिरे से कनेक्ट है। तो इस प्रकार के संयोजन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और इस सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट एक समान होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो श्रेणी संयोजन में पूरे परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, परंतु वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, और अगला पॉइंट देखें, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध में सबसे उच्च वोल्टता पात या सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप सबसे उच्च मान वाले प्रतिरोध के सिरे पर होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, इसमें जो पूछता है, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस में इन सभी तीनों प्रतिरोध में, मान लीजिए अपने तीन प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध में से जो प्रतिरोध का मान, जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो इस तीन प्रतिरोध में जो सबसे हाई रेजिस्टेंस का प्रतिरोध था उससे भी अधिक आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और पैरेलल में क्या होता है कि जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है समांतर संयोजन में, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उससे भी कम आता है। और सीरीज में क्या होता है, जो सबसे अधिक मान का रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी अधिक मान का आता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये कनेक्शन किया हुआ है सीरीज कनेक्शन, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है। तो इसमें आर वन आर टू आर थ्री तीनों कैसे सीरीज में जुड़े हैं। देखो जो ये आर वन है इसका ये दूसरा सिरा, ठीक है, आर वन का ये दूसरा सिरा ये आर टू के पहले सिरे से जुड़ा है, और ये आर टू का ये दूसरा सिरा आर थ्री है उसके पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, अपन सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजकल वी ओपन आई, ठीक है, यही होता है। और यही होता है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर वी ओपन आर, ठीक है। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी इजकल आई इंटू आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ओम के नियम के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है, जो कि इसमें नीचे दिया भी हुआ है, V बराबर आई आर टी, वी वन बराबर, ठीक है। तो इसमें अपन सोल्व कर लेते हैं ये फॉर्मूला। अब सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैसे बना, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें जो इसका जो ओम के नियम को अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R बराबर वी ओपोन आई, ठीक है। तो V को अब अपने को वी निकालते, V को टॉप पे लाने पे क्या हुआ, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। इसी प्रकार इस फॉर्मूले के अनुसार अब तीन रेजिस्टेंस है तो तीनों के लिए निकालेंगे, तो V1 बराबर क्या I R1, ठीक है, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I I3, ठीक है। तो अब इसमें पहले V1 को ले लेंगे, V1 क्या आ रहा है इसमें, सॉरी V को जोड़ लेंगे, तो V बराबर कौन सा टोटल, क्योंकि सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का, इसमें V का मान रख देंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, ठीक है, V बराबर यही होता है।
तो वी के जगह पर अपन रख सकते हैं आई आर, ठीक है। तो आई आर रख दिए यहाँ पे, आई आर वन वी वन के जगह पे, और आई वी टू का मान क्या था, आई आर टू, वी थ्री का मान क्या था, आई आर थ्री, ठीक है, ये रख दिया। तो अब इसमें क्या किया अपन, आई आर टी, ठीक है, और इसमें आई को इन सब में से अपन ने आई को कॉमन ले लिया, आई को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आर वन आर टू आर थ्री बचा, ठीक है, आर थ्री बचा। अब इस आई को इस आई से काट देंगे तो क्या बचा, सिर्फ आर टी बचा, सिर्फ आर टी बचा, और इधर के आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और जितने आगे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे उतने प्लस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें आर टी टोटल रेजिस्टेंस, आर टी को टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, आर टी को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब थ्योरी देख लेते हैं, जब किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो हमेशा तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, यही बताया था मैं आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं समांतर या पैरेलल कनेक्शन,